दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल पर वीडियो डालना बंद कर चुके हैं और सिर्फ कम्युनिटी के फीचर पर ही काम कर रहे हैं। वो लोग एक कम्युनिटी पोस्ट करने का यहाँ पर लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पर मैं प्रूफ भी लेकर आया हूँ जो आपको दिखाऊंगा। कम्युनिटी पोस्ट आप अपलोड करते हो या डालते हो, उस टाइप से जैसे आपकी वीडियोस का इम्प्रेशन जाता है वैसे ही पोस्ट का इम्प्रेशन जाता है। आप अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में जाओगे और वहाँ पर चेक करोगे कंटेंट वाले ऑप्शन पर, और इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख लो, यहाँ पर आपको पोस्ट इम्प्रेशन दिखाएगा जहाँ पर आप सब अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके इम्प्रेशन देख सकते हो, कितने लोगों के पास में आपकी कम्युनिटी पोस्ट जा रही है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं अभी वीडियो डालना बंद कर चुके हैं और वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट पर। उससे वो पर डे का एक कम्युनिटी पोस्ट डालने का चार्ज करते हैं कम से कम 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये। तो अब आखिर आप भी चाहते हो कि भाई मैं वीडियो कम डालूं और कम्युनिटी पोस्ट पर काम करूं और उनको वायरल कैसे करवा सकता हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी कम्युनिटी पोस्ट गारंटी के साथ वायरल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण दिखाता हूँ, जैसे कि इन्होंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाली है और इन्होंने किस टाइप से डाली है और वायरल कैसे होती है। शुरुआत में आपके पास में ऑडियंस नहीं होगी, उस टाइम आप अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके पास में ऑडियंस नहीं रहेगी तो आपके बोट नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आपके पोस्ट इंप्रेशन, आप अपने YT स्टूडियो के अंदर अपनी पोस्ट इंप्रेशन चेक करोगे तो वहां दिखाएगा कि आपकी जो कम्युनिटी आपने डाली है उसके इंप्रेशन कितने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना YouTube से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, कम्युनिटी में अपनी फ़ोटो डाल देते हो। अब आपके पास में सीमित ऑडियंस रहती है, वो आपको बहुत कम जानती है, यानी कि आपके 1000 सब्सक्राइबर है, 100 सब्सक्राइबर है, तो वो आपकी फेस वैल्यू इतनी नहीं जानती है, तो वो आपको इतना लाइक नहीं करेगी। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसकी वजह से आपकी पोस्ट वायरल नहीं होती है। इसके अलावा आप लोग क्या करते हो कि टाइम नहीं देखते हो, आप दोपहर में कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, ये एक गलत टाइम है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टिप की। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो क्या होती है, आपके किस टाइप की है, ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये एक पोस्ट है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है गेस द स्पोर्ट्स नेम, यानी कि इस खेल का नाम गेस करो। अब इन्होंने साइड में आप देखो स्क्रीनशॉट में इन्होंने लिखा है F, फिर एक गोला लगा दिया, फिर गोला लगा दिया और फिर टी, फुट प्लस बॉल, यानी कि आपको पता है कि फुटबॉल बन रहा है। अब इन्होंने चार ऑप्शन दे दिए, इसमें पहला क्रिकेट का दे दिया, दूसरा चेज का दे दिया, तीसरा फुटबॉल का दे दिया, चौथा हॉकी का। तो अब इसको लोग पढ़ेंगे फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर वो ऑप्शन देखेंगे, फिर यहाँ पर इनको दिख रहा है फुटबॉल का, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो अब क्या हुआ, एक बंदे के पास में आपकी ये पोस्ट जाती है तो उसका एक इंप्रेशन काउंट होता है। जैसे YouTube क्या करता है, 100 लोगों के पास में आपकी इस पोस्ट को भेजा। अब उसमें अगर ये पोस्ट ऐसी है कि हर एक उम्र का बंदा इस पर क्लिक कर रहा है, यानी कि एक एज ग्रुप होता है, जैसे कि 18 साल से लेकर के 50 साल के लोग फुटबॉल गेम के बारे में जानते हैं, तो अब क्या होगा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, YouTube जैसे कि 100 लोगों के पास में भेजा और 100 लोगों से आपके मान लो 40 वोट आ गए, तो 40% CTR हो गया, तो क्या होगा, इसको और लोगों के पास रिकमेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा लोग इस पर क्लिक करेंगे उस टाइप से ये आगे बढ़ता जाएगा और आपकी कम्युनिटी पोस्ट वायरल होती जाएगी। अब दूसरा टिप मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप ऐसी पोस्ट करो जो बिल्कुल सभी लोगों के पास जाए और उस पर रिएक्ट करें, आप सीमित लोगों के लिए मत करो। जैसे कि यहाँ पर आप एक पोस्ट कर सकते हो योर फेवरेट, यानी कि आपका फेवरेट क्या है। तो अब यहाँ पर केक डाल दिया, चॉकलेट डाल दिया, चिप्स डाल दिया, जूस, तो हर एक उम्र का व्यक्ति जूस भी पीता है, चिप्स भी खाता है, चॉकलेट भी खाता है, केक भी खाता है, छोटे बच्चे चॉकलेट। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी उस पोस्ट को देखकर लोग उस पर रिएक्ट करेंगे और वो आगे बढ़ता जाएगा। अब इसके फायदे क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जितना ज़्यादा आपका CTR रहेगा कम्युनिटी पोस्ट का, यानी कि कम्युनिटी पोस्ट 100 लोगों के पास जा रही है, जितना ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं उतना ही ज़्यादा इसका रीच बढ़ता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कभी भी आप लोग, ये तीसरी टिप है हमारी, कि कभी भी आप लोग अपनी कम्युनिटी के अंदर में वीडियो को अपलोड मत करो, यानी कि वीडियो को पोस्ट मत करो, क्योंकि YouTube क्या करता है, जिस कम्युनिटी पोस्ट पर रीच कम आती है उसको वहाँ पर वायरल नहीं करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो ही सीधा अपलोड कर देते, तो आपको वीडियो अपलोड नहीं करना है। ठीक है, वीडियो अपलोड करते हैं तो लोग वीडियो पर क्लिक करते हैं और वीडियो को देखते हैं, ना कि उसको लाइक करते हैं और ना कि उस पर कोई वोट डालते हैं। ठीक है, चौथा
चौथा टिप हमारा यह है कि आप जो कम्युनिटी पोस्ट है उसको एक दिन में एक जरूर अपलोड करें, या दो दिन में एक, या तीन दिन में, यानी आपको फिक्स बनाना पड़ेगा कि मुझे अपने चैनल पर एक दिन में एक कम्युनिटी पोस्ट डालनी है, या दो दिन में एक डालनी है, या तीन दिन में एक डालनी है। इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक, आप फिक्स ऑडियंस के लिए कम्युनिटी पोस्ट ना करें, आपको देखना है कि जनरल ऐसी कम्युनिटी पोस्ट है, कुछ खाने के बारे में पूछ लिया, किसी गेम के बारे में पूछ लिया, अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप पूछ सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कम्युनिटी पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि मैं सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा हूँ, या मैं शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कम्युनिटी पोस्ट को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको 5 टिप फॉलो करनी है टोटल। इन 5 को आप ध्यान से समझ लो और इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी आपकी वायरल होगी। अब कम्युनिटी पोस्ट का जो फीचर है उसको पूरे तरीके से, मतलब कैसे यूज करते हैं, इस पर पोस्ट कैसे डालते हैं, इसको वायरल करवाने में हेल्प कैसे मिलेगी, एडिटिंग कैसे करनी है, टेक्स्ट, मतलब सब कुछ मैंने एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है आपको इसमें बता रखा है कि कैसे आपको इसका उपयोग करना है, कम्युनिटी पोस्ट ऑल ओवर सारी चीज़ें, इमेज पोल कैसे डालना है, टेक्स्ट कैसे डालना है, सब कुछ। तो एंड स्क्रीन में वीडियो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करो और उसको पूरा देखो, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। या मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।